नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल MSC क्रिएशंस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक डिश पे मल्टी सेटिंग कैसे करते हैं। हम एक डिश पे आपको यहाँ पे हमने तीन सेट टाइट लगाए हैं। तो एक दोस्तों हमने लगाया DD 3 डिश और उसी पे दोस्तों हमें NSS 6 के भी सिग्नल मिला है 95 के, और साइड में दोस्तों हमने 88 लगाया है और 88 के जो साइड में हमने लगाया 83। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली में यहाँ पे तीन LNB लगाई हैं, लेकिन तीन LNB पे हमें चार सेटेलाइट के सिग्नल मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे दोस्तों, ये है 93 और 95। तो इस वाली LNB पे हमें दो सेटेलाइट के सिग्नल मिलेंगे, 93 फ्री डिश और 95 जो डिश TV होता है उसके भी यहाँ पे सिग्नल मिलते हैं। एक ही LNB पे गेन हो जाता है, दोनों एडजस्टन सेटेलाइट हैं। एक दोनों के बीच में अगर दूरी देखें तो दोस्तों 1.5 डिग्री की दूरी है, 1.5 डिग्री की जो दूरी है, तो वो ऐसे एक ही LNB पे दोनों के सिग्नल आ जाते हैं। साइड में दोस्तों हमने 88 लगाया है, जो दोस्तों वीडियोकॉन D2H जिस पे हमें सिग्नल मिलता है, वीडियोकॉन D2H जो DTH है अपना, उसका सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस साइड में हमने लगा दिया यहाँ पे वीडियोकॉन का D2H का सिग्नल, 88 डिग्री पे लगाया है। और उसके साइड में दोस्तों हमने लगाया टाटा स्काई जो 83 डिग्री ईस्ट पे आता है, उसका हमने यहाँ पे LNB लगाया। अब आपको दिखा दें कैसे लगाया है। ये अपनी एक रॉड लगी हुई है, ये प्लास्टिक की रॉड है, पाइप है ये जो पानी वाला पाइप होता है, पानी वायरिंग वाला पाइप, तो वो दोस्तों यहाँ पे लगाया है। और बाकी इसको एक पाइप हमने इसमें एडजस्ट किया, यहाँ से पत्ती के द्वारा लगाया है, और पत्ती लगा के इसमें हमने दोनों को एडजस्ट कर रखा। फिर यहाँ पे हमने अपनी LNB यहाँ पे एक LNB यहाँ पे एडजस्ट किया, और दूसरी जो साइड LNB है वो हमने यहाँ पे पत्ती लगा के उसमें ब्रैकेट को कस रखा। तो ये हो गई दोस्तों डिश सेटिंग। पहले जब हमने भी वीडियो बनाए हैं तो पहले जो यहाँ पे ये जो पाइप था ये घुमा के इस तरफ था, और वहाँ पे यहाँ पे हमने जो था यहाँ पे हमने एयरटेल लगा रखा था उसमें। तो एयरटेल तो अभी फ़िलहाल यूजलेस है, अभी जो अभी एयरटेल का तो काम ख़त्म है। बाकी अगर हम देखें तो ये दोनों सेटेलाइट अभी वर्क कर रहे हैं, और DD प्रीडिस भी वर्क कर रहा है, और 88 भी अभी वर्क करने लगा है, और 83 भी अपना काम कर रहा है। और शेयरिंग पे आप देख सकते हैं, S-CAM पे देख सकते हैं, गोडा सर्वर पे देख सकते हैं, और फॉरएवर सर्वर पे आप D2H और 83 को देख सकते हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हमने यहाँ पर ये सेटिंग बनाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने LNBOं को किस प्रकार से लगाया है। ये अपनी दोस्तों 93 वाली हो गई, ये 88 वाली हो गई D2H की, और ये हो गई टाटा स्काई की। तो ये ऐसी इसकी सेटिंग है। तो आप सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग देखने के बाद हम आपको सिग्नल भी दिखाएंगे कि हमें कितने सिग्नल मिल रहे हैं। तो ये वायर लगी अपनी DD फ्री डिश की, तो हम आपको चेक कराते हैं। तो हमारा ये फ्री टू एयर वाला मीटर लगा हुआ है, रिसीवर है, इस पर हम सबको सिग्नल दिखा दें। तो 61% सिग्नल दोस्तों मिल रहे हैं। ये DD फ्री डिश की फ्रिक्वेंसी है 11090 वर्टिकल 29500 पे हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे 61% सिग्नल मिल रहा है। दूसरा नंबर चैनल लगा दें तो ये दोस्तों ये है दोस्तों डिश TV की फ्रिक्वेंसी, होम TP है 12688 वर्टिकल 27500। तो यहाँ पे भी हमें 62% सिग्नल मिल रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे गेन करना होता है, जो पहली LNB लगाई है DD फ्री डिश और डिश TV पे, इसको मैं ऐसे गेन करना होता कि एक ही LNB पे हमें दोनों TP के सिग्नल मिले, और सिग्नल ऐसे सेट करने हैं कि बराबर रहें। अगर उसमें 63% या 62% मिल रहा है तो DD फ्री डिश पे भी, मतलब दोनों TP पे हमें सिग्नल बराबर लेके आने, इक्वल सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सेटिंग कर ली है। बाकी दो सेटेलाइट हैं तो इनका सिग्नल एम्पैक्ट टू रिसीवर पे नहीं शो करेगा, तो इसके लिए अभी हमने यहाँ पे एक ये रिसीवर एम्पैक्ट 4 रख रखा है। दोस्तों ये चार्जेबल रिसीवर है, इसके अंदर लिथियम बैटरी लगी है। तो अभी इस पर आपको हम सिग्नल दिखाएंगे, और इसका भी वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से इसको बनाया है। तो अभी हम आपको इसका भी सिग्नल, तो दोस्तों अभी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने अभी अपने वायर को टाटा स्काई 83 पे कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपको सिग्नल दिखाएं दोस्तों। यहाँ पे सिग्नल हमें 36-37% सिग्नल यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 36-37% यहाँ पे सिग्नल शो करा रहा है। हमारा ये MPEG 4 का रिसीवर है, और टाटा स्काई के सिग्नल नॉर्मल डब्बे पे नहीं मिलते हैं, तो वो ये इसी डब्बे पे ट्रैक होंगे। तो यहाँ 36-37% सिग्नल हमें मिल रहे हैं। अभी हम इस वायर को हटा के अपने D2H का जो LNB लगाया है इस पर लगाएँगे,
तो देखते हैं मैं इस पर कितने सिग्नल मिलते हैं। और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिग्नल 00 हो गए। अभी हम यहाँ पे चैनल अपने चेंज कर लें। तो ये तो दोस्तों चैनल लगा दिया, इस पर हमें दोस्तों मिल रहे हैं 35-36% सिग्नल मिल रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल टीपी है DTH की, एक वर्टिकल की टीपी भी लगा दें तो वर्टिकल पे देख लें कितने मिल रहे हैं। वर्टिकल पे दोस्तों हमें 37% सिग्नल मिल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग टीपी जो दोस्तों इन सैटेलाइट की, वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, दोनों सैटेलाइट की, वीडियोकॉन की और टाटा स्काई की। और डिश टीवी की हम आपको बता ही चुके हैं, और DD फ्री डिश की आपको मालूम ही होगी 11090 वर्टिकल 27-29500। तो ये DD फ्री डिश की है, और 12688 वर्टिकल 27500 ये दोस्तों अपनी डिश टीवी की है। तो आप इजीली डिश टीवी को आसानी से एक ही LNB पे, DD फ्री डिश और डिश टीवी एक ही LNB पे सेट कर सकते हैं। साइड में अगर आपको यूज में हो तो आप 88 और 83 लगा सकते हैं। अगर आप उस टाइप से चैनल चला रहे हैं तो 88 और 83 आप लगा सकते हैं। इस टाइम आज की डेट में S-Cam पर भी 88 वर्किंग कर रहा है, 83 दोनों वर्किंग कर रहे हैं। बाकी गोडा सर्वर पे भी 88 वर्किंग है, 83 भी वर्क कर रहा है, और 95 भी, 95 के जो SD चैनल है वो भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे गोडा सर्वर पे तीनों सैटेलाइट वर्क कर रहे हैं। बाकी फॉरएवर सर्वर पे भी वर्क करते हैं। तो जैसा आपके पास से हो, अगर आप गोडा सर्वर का रिसीवर हो तो गोडा सर्वर पे देख सकते हैं, S-Cam पे देख सकते हैं, हेलो बॉक्स के जो रिसीवर हैं उन पे देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी डिस्क की सेटिंग। डिस्क की सेटिंग आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और दोस्तों हमने ये चार्जेबल मीटर भी बना रखा है, तो इसकी भी वीडियो जल्दी बनाएंगे कि इसके अंदर हमने किस प्रकार से बैटरी लगाई है और क्या सर्किट हमने कनेक्शन किस प्रकार से दिए हैं, तो वो भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।